नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाचार दर्शन में। आज हम पहुंचे हैं नकुड़ विधानसभा क्षेत्र में। यहां पर बीजेपी द्वारा प्रत्याशी चुने गए मुकेश चौधरी से बात करते हैं। नकुड़ विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार का विकास की प्राथमिकता रहेगी और जनता को किसी की जरूरत होगी। सबसे अहम तीन चीज़ें होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क। क्या इन चीज़ों को लेकर जनता के बीच जाएंगे या फिर मुद्दे हो जाएंगे गुम? जी बताइए, किस प्रकार की सेवा का भाव आप नकुड़ की जनता से रखते हैं? स्वागत है आपका। देखो, पिछले 20 साल में आदरणीय धर्म सिंह सैनी जी यहाँ से विधायक हैं। उन्होंने क्षेत्र में, आप घूम के देख लो, आप तो पत्रकार हो, बहुत बुद्धिजीवी हो, कोई विकास कार्य नहीं किया। कोई नौजवान बच्चों के लिए 3 कस्बे यहाँ पढ़ते, कोई लाइब्रेरी भी नहीं दी, और ना ही कोई खेलने का स्थान बच्चों के लिए है, ना ही गाँव की सड़कें अच्छी है। कोई काम उन्होंने नहीं किया, और अवसरवादी लोग हैं, जहाँ अवसर आता है वहीं चल जाते हैं। 5 साल सरकार रही बीजेपी की, उसमें भी सरकार की जो योजनाएं थी उनको वंचित रहे लोग, क्या किस तरीके से क्या हुआ, किस क्यों नहीं पहुंच पाए नकुड़ विधानसभा में? एक तरफ हमारे बाकी मंत्री है बराबर के जनपदों में, उनके क्षेत्र में देखिए कितना पैसा लगा है, और यहाँ देख लीजिए क्या लगा है। उन्होंने विकास किया अपने परिवार का, अपने भाई का, अपने रिश्तेदारों का, इसके अलावा उन्होंने किसी का विकास करने का काम नहीं किया। यहाँ पर एक ये नकुड़ विधानसभा गुज्जर, जिसमें ज़्यादा वोट माने जाते हैं कि भाई यहाँ पर जो मेन समीकरण रहता है गुज्जरों का, तो आप गुज्जर समाज से आते हो, तो आपके किस तरीके से क्या रुझान दिखता है आपकी बार यहाँ से? देखिए, जाति से आदमी ग्राम सभा का प्रधान भी नहीं बन सकता, ये तो MLA का चुनाव है। 36 जात जिसके साथ होती है वही MLA का चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है। भारतीय जनता पार्टी है, भारत माँ से प्रेम करने वाले हैं, कोई जाति धर्म की सीमा हमारे यहाँ नहीं है। तो जैसे लोगों के में अहम मसले हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और सड़क, तो उनमें किस तरीके का एक आप प्रक्रिया सोच रहे हैं कि कैसे बदलाव यहाँ पर लाया जाए? मेरा विजन बिल्कुल साफ है। मैं बलियाखेड़ी ब्लॉक का प्रमुख रहा हूँ, जिला पंचायत सदस्य मौजूदा हूँ, और आज भी बलियाखेड़ी ब्लॉक में मेरी छोटी बहन है सोनिया, वो ब्लॉक प्रमुख है। हम लोगों ने अभी जिला पंचायत और ब्लॉक जीतने के बाद बलियाखेड़ी ब्लॉक में काम शुरू किया है। हमने गाँव में ओपन जिम, खेल के मैदान, तालाब का सौंदर्यकरण, गाँव के अंदर तालाब में बोट डालने की प्लानिंग, और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के पार्क एक माली गांव में बहुत बड़ा, उसको बहुत भव्य और सुंदर हमने उसको बनवारे काम वहाँ चल रहा है। तो हमारी सोच ये है कि बच्चे जो हमारे नौजवान छात्र हैं, बच्चे हैं, उनको गांव में खेलने का स्थान मिल जाए, ओपन जिम मिल जाए, क्योंकि हेल्थ तो सब कुछ है, और जो बच्चा हेल्दी होता है, अच्छा होता है, जिसका स्वास्थ्य अच्छा होता है, उसके अंदर स्वस्थ बुद्धि होती है, और जब स्वस्थ बुद्धि होती है तो पढ़ता लिखता अच्छा है, और जब पढ़ता लिखता अच्छा है तो निश्चित तौर पर वो देश के, आज कोई नेता किसी की नौकरी लगवा सकता, कोई पैसे वाला किसी की नौकरी लगवा सकता, ये तो योगी और मोदी का युग है, जो पढ़ेगा उसकी नौकरी लगेगी। आज गरीब से गरीब के घर का बच्चा दरोगा बनना है, गरीब से गरीब के घर का बच्चा कलेक्टर बनना है, ये समय, ये युग मोदी और योगी का है, इसमें भ्रष्टाचार नहीं है। यहाँ तो ना मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जो लोग अवसरवादी लोग हैं उनकी आदत थी खाने की, अब यहाँ काम नहीं चला। तो अभी आप दौरा कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, तो अभी किस तरीके की आपका प्रोग्राम था जो यहाँ पर आज निकले, तो इसमें क्या एक लोगों से मुलाकात की, किस तरीके की आपका ये प्रोग्राम चालू हुआ आज? ये तो पार्टी के जो हमारे संगठन के लोग हैं उनकी आपस में बैठ के हम लोगों ने चर्चा की, प्लान किया कि किस तरह से चुनाव तो प्लानिंग की चुनावी चर्चा चल रही है अभी, मतलब लोगों से परिचय हो रहा है, प्लानिंग की एक मीटिंग थी। हमारे साथ नकुड़ विधानसभा से प्रत्याशी, बीजेपी से प्रत्याशी मुकेश चौधरी जी हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने बताया कि नकुड़ विधानसभा के जो अहम मुद्दे हैं उनको उठाने का काम करेंगे और उन मुद्दों को उठाकर इस क्षेत्र का विकास करेंगे। लगातार कई सालों से ये क्षेत्र विकास से वंचित है, युवाओं के लिए भी उन्होंने बताया कि युवाओं के लिए भी एक उनके दिमाग में आइडिया है जो बता रहे हैं। कैमरामैन जातिराम के साथ समाचार दर्शन से सलमान की रिपोर्ट।